नमस्ते। हाय बोला जाता है। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जिसको डाले 1 महीने से ज्यादा हो गया। पोस्ट में मैंने आप लोगों से पूछा था कि कोई भी ऐसा टॉपिक बताइए जिसपे मैं रोस्ट बना सकूं, तो आप लोग वहां पे अलग ही रिक्वेस्ट करने लगे। लेकिन एक आध कमेंट में लिखा हुआ था कि ताहिर शाह नाम के एक गायक हैं, उन पे वीडियो बनाया। बात यह कि मैंने इन सज्जन पे काफी रोस्ट देख रखे यूट्यूब में, काफी लोगों ने इनको बाइज्जत बेइज्जती की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अलग करूं। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा, जी हाँ पूरी कोशिश करूंगा, कि मैं इनके गानों में कुछ अच्छी चीजों को पकड़ पाऊं। हम इनके गानों में जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको नोट करेंगे, और जहां जहां रोस्ट हो पाएगा वहां वहां रोस्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाइज्जत बरी कर देंगे, नहीं, जहां हक होगे वहां ठुकाई होगी। तो भाई लेट्स वेलकम द लेजेंड द मिथ ताहिर शाह टू दिस चैनल। तो भाई इस वीडियो में जो ताहिर शाह जी के म्यूजिकल ज्ञान का ब्रह्मांड है, उसमें से दो सितारे जो उन्होंने रिलीज किए हैं यूट्यूब पे, दैट इज आई टू आई और एक है भैया मैनकाइंड्स एंजल। तो इस वीडियो में इन दोनों गानों को देखेंगे भाई, विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने क्या प्रोडक्शन किया है, क्या किया है, क्या ही किया है, देखेंगे भाई इस वीडियो में। और एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि सिंस आई हैव बीन इन दिस चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब ये समय हो गया है कि मैं एक ब्रेक ले लूँ। आई नो आप लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं वीडियोज डालना बंद कर दूँ, बट आई नीड अ ब्रेक बिकॉज मुझे कहीं जाना है। बेसिकली आई विल बी बिजी एट सम अदर वर्क। तो ये इस महीने की, फरवरी के महीने की लास्ट वीडियो होने वाली है, और जो लोग मेरी वीडियोज को मिस करेंगे वो पुरानी वीडियो से काम चला लेना भाई, सॉरी दोस्तों। यू नो आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट यार, मेरे को भी अपना माइंड फ्रेश करना पड़ता है। एक साथ दो दिमाग लगाना आसान थोड़ी है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिन जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हूँ वहां मैं एक्टिव रहूँ। यू नो कभी एक आध शॉर्ट वीडियो डाल दी, कभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया, कभी लाइव स्ट्रीम कर, हो सकता है लाइव स्ट्रीम भी कर लें। सो या कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। बहुत ऑफ टॉपिक चले गए हैं तो थोड़ा सा और ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, क्या हो जाएगा। लेट मी टेल यू अबाउट एन इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इस पे आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर, यूरोज वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आप 90% प्रॉफिट तक ले सकते हो। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और आपको ये फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूँ और ये फोरकास्ट करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और वेट करते हैं थोड़ी देर एंड यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में 24 घंटे के अंदर आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके अपना डिपॉजिट डबल कर सकते हो। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉप अप करेंगे तो आपको मिलेंगे 800 रुपए। तो भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में पाइए 65,000 रुपीज, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि हर ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। experience you get, the smarter you get. So download the Binomo app now from the link given in the description. I am a Binomist. Are you? तो भाई कान के पहले अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि we are going to listen to Eye to Eye first. Eye to Eye, the eternal song. This song is about expressing and conveying feeling of love. Eye to Eye. Oh भाई साहब, ये paragraph क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा? मैं नहीं पढ़ रहा, हट, पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए तो यहाँ है, दोबारा पढ़ाई करवा रहे हैं। बहुत ही HD क्वालिटी लग रही है भाई वीडियो की। आहा, ग्रीन स्क्रीन, आई टू आई, क्या बात है, अमीरी, हाउ टू हैंडल फेम। अरे भैया ये क्या है ये, आबिदा परवीन जी की मेल कॉपी। बस जवाहरात से आगे बढ़ो। ठीक है, लिरिक्स की बात नहीं करेंगे अभी, बात करते हैं म्यूजिकल अरेंजमेंट की, जो मुझे सबसे सरप्राइज किया एक्चुअली। म्यूजिकल अरेंजमेंट इज गुड यार, सैक्सोफोन सुनाई दे रहा है और वो ड्रम किट सुनाई दे रही है पूरी, और बहुत अच्छी बजाई है ड्रम किट एक्चुअली। भाई इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ भी बना दिया स्टूडियो में बैठ के, इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिल रहे हैं, क्रिएटिविटी है, हारमोनी भी सुनाई दे रही है। अरे अंकल जावारात से इनका मन नहीं भर रहा है। स्ट्रिंग्स, गिटार स्ट्रिंग्स, सैक्सोफोन, नाइस भाई इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे यूज किए हैं यार। देखो गाना भले ही गोबर की खान हो, पर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बढ़िया यूज किए हैं। अंकल डरावने लग रहे हैं, मैं मानता हूँ अंकल डरावने लग रहे हैं। आंखों से प्यार कैसे किया जाता है सीखो कुछ अंकल से। अंकल थोड़ा प्यार ज्यादा हो जाता है कभी कभी, डरा देते हैं अंकल।
आंखों से। पीछे फोटो देख रहे हो यार, स्ट्रिंग्स डाल दिया यार, मेरा स्ट्रिंग सेक्शन जहां जाता है मेरा दिल पिघल जाता है यार। ये क्या किया ये अंकल, मुझे अच्छा लग रहा है ये गाना अब स्ट्रिंग्स की वजह से। सॉरी गाइस, आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉय दिस। हाई बीट्स है यार, म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक है। स्टाइलिश सेक्सी एंड ह्यूमन आईज, ओनली ह्यूमन आईज, तो यहाँ पे सिर्फ इंसानों की आंखों की बात हो रही है। जानवर लोग इस वीडियो को देख के एक्साइटेड ना हो यार। हारमनी भी है यार, कोरस भी है। आई टू आई सी आई टू आई मेक्स एपिक इट अ लव रे भैया। वंस इन अ लाइफ सब्सटेंशियल लव इज हेवन फॉर When the teacher asks you to write an essay on human eye, backbenchers be like, eyes are like a sunshine. Your eyes are like a sunshine. Heart belongs to me. भाई इलेक्ट्रिक गिटार भी सुनाई दे रहा है तो। I love you. एक मिनट, दोबारा लिरिक्स सुने एक बार। कभी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? Let's try to understand by an example, bro. I love you. Thanks. अबे ये क्या किया? Your precious eyes belongs to me because eyes loves you. You are mine, always mine. Next level position अंकल का। Without you, I'm like a butterfly. Without you, I'm like a butterfly without fly. Without fly, without flying. Without you, I'm butterfly. Without flying, butterfly is good, but without flying. Complexity, oh, भाई साहब, गया. Wonderful, gorgeous eyes. भाई कितनी तारीफ करोगे आंखों की यार, खत्म करो. Lyric singer produced and directed by Tahir Shah. www.tahirshah.com. नहीं ये जो काम हुआ है ये एक ही आदमी कर सकता है, क्योंकि अगर दूसरा आदमी आएगा तो वो कभी इसको अप्रूव नहीं करता। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, द इंस्ट्रूमेंट्स वर रियल, मुझे इंस्ट्रूमेंट सही में बहुत अच्छे लगे इस गाने के, सही में बता रहा हूँ। म्यूजिकल अरेंजमेंट वॉज कैची, गुड, वेरी गुड, बस उसके अलावा बाकी सब टट्टी है। और क्योंकि अभी हमारी मौत नहीं हुई, अभी हम सक्षम है और झेलने के लिए, तो लगे हाथ मैनकाइंड्स एंजल भी देख लेते हैं। भाई साहब हारमोनीज फाड़ दिए हैं, हारमोनीज एंजल, यू आर एंजल, एंजल फिर से ताहिर शाह, ठीक है समझ गए हम क्या आने वाला है। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों का, ऐसे गानों को मेरे को समझ नहीं आता। देखो म्यूजिक इतना अच्छा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, लिरिक्स और वीडियो में ये क्या क्या क्रिंज है, क्या जबरदस्ती बनाते हैं क्या लोग। समझ गया मैं, दिस इज लाइक अ कमर्शियल सॉन्ग की व्यूज आए, आ गए व्यूज, लो सब्सक्राइबर तो आए नहीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनके गाने नहीं है उसके बाद, क्यों क्या सही में एंजल बन गए क्या? बहुत बढ़िया, एंजल इज रोमिंग अराउंड इन द पार्क, बहुत खतरनाक एंजल है। नहीं नहीं हो बिल्कुल नहीं, व्हेन पापा की परी इज पापा, पापा की परी के पापा हैं ये। माय हार्ट इज लाइक अ रोज, ओह माय गॉड, हेवन ऑन अर्थ, समवन गिव दिस मैन अ लिरिसिस्ट, सिंगर आल्सो। कंपोजिशन अच्छी है यार, कंपोजिशन कैची है, म्यूजिक भी अच्छा है, बस वीडियो देख के मर रहे हैं हम। अरे भाई साहब की चेंज, इलेक्ट्रिक गिटार से पावर भर दी गई है गाने में, उस पेड़ ड्रम किट है भाई यहाँ पे भी, नाइस। इफ हैरी पॉटर वॉज मेड इन इंडिया, डंबलडोर। पीछे चिड़िया का घर है भाई पेड़ में, उस चिड़िया को क्या क्या देखना पड़ रहा है यार, बच्चों को छुपा लिया होगा उस चिड़िया ने, बेटा नहीं बाहर नहीं देखना आज। अरे ये क्या है, लाला लाला नीला धुआं, ये पता है ये किस लेवल का क्रिंज है,
इसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ यार, ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब गु की गहराई में हो, है गु पर इतना ज्यादा नहीं है क्वांटिटी में। म्यूजिक प्रोडक्शन अच्छा है यार, बहुत बढ़िया भाई साहब, वो इफेक्ट भी डाला इन्होंने उसमें सिंथ में, सिंथ है क्या है, बीवी के कपड़े पहन, अरे अरे बीवी है ये तो, डंबलडोर एंड प्रोफेसर मैकगोनिगल। यार अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यार, एटलीस्ट ढिंचक पूजा की तरह ऑफ बीट तो नहीं है। अरे रैप आया भाई रैप, एंजल नहीं होता, नहीं होता एंजल, एंजल होता है क्या, मैं ही गलत हूँ, एंजल होता है कि एंजल होता है। बच्चा भी हो गया, ये क्या है? The only charming thing in this video is this kid. यार म्यूजिक है यार, दम है म्यूजिक में यार, कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज, थोड़े अलाप भी डाल दिए जाए इस गाने में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया अंकल, कमेंट पड़ेगा कमेंट, दिस सॉन्ग इज सो स्वीट दैट माय नेबर, ठीक है, एन एंजल डाइड एवरी टाइम दिस सॉन्ग इज नाइस, दिस वाज नाइस। अदर्स डॉटर्स, मैं पापा की परी हूँ, ताहिर शाह डॉटर, मेरे पापा ही परी हैं, तो मतलब मैंने जो कमेंट मारा वो पहला नहीं था, शिट नॉट ओरिजिनल जोक, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, पता चला सारे जोक मेरे कॉपीड थे। इससे ये बात पता लगी लेकिन देखो कि जो है वो म्यूजिक प्रोडक्शन गाने का बढ़िया था, म्यूजिक प्रोडक्शन में दम था, जो इन्होंने बनाया है उस हिसाब से कॉम्पोजिशन वॉज कैची, ऐसे नहीं कह सकते कोई सरपैर नहीं था गाने का, सरपैर था, सरपैर जिसका नहीं था वो सिर्फ वीडियो और वो लिरिक्स, लिरिक्स और वीडियो का कोई सरपैर नहीं था, क्या ही बना दिया है ये, थोड़ा पैसा और खर्च कर देते ताहिर शाह अंकल, जितना बालों में पैसे लगाए उतना थोड़ा सा बचा के थोड़ा सा लिरिसिस्ट में पैसे लगा देते तो आज ये गाना हिट होता, मतलब हिट तो अभी भी है पर अच्छे रीजन के लिए हिट होता, अभी तो ये बैड रीजन के लिए हिट है, बट जो भी है पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी निकाल पाए हम इस गाने से, पीपल आर एंजॉयिंग देयर म्यूजिक, करो भाई एंजॉय, मिलते हैं फिर अगले महीने दोस्तों, सैड गुड बाय।